हेलो क्लास, वेलकम टू आवर LFS ऑनलाइन क्लास। मैं संध्या तिवारी, योर ज्योग्राफी टीचर। वी आर ऑन चैप्टर 7 एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन एंड आल्सो समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, द नेम ऑफ चैप्टर इज दैट इज लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। Okay, and in this we will discuss about means of transport. You know the three means of transport, that is land, water and air. And also here in land there are three, okay, roadways, railways and pipelines. And also you have seen that in water, inland and oversea. And also we have divided, categorized in air, that is domestic airways, and after that international airways. Okay, and also not only this, in domestic airways one is public undertaking and the second one is private airlines. Okay, so let's discuss this chapter, lifelines of national economy, means राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ओके, वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। यू नो दैट, यू ऑल नो दैट वी यूज डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल्सो डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो वी यूज डिफरेंट सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हमें पता है ना कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज का भी यूज करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स एंड द थिंग्स, सम थिंग्स वी गेट फ्रॉम आवर सराउंडिंग एरियाज। आपने देखा हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपने आसपास के एरिया से भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स विच वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम आवर सराउंडिंग एरियाज एंड फॉर दैट वी हैव टू मूव सम फार डिस्टेंस। ओके, सो हियर, ओके, एंड immediate surroundings, while other requirements are not met by bringing things from other places. And also there are some other requirements are met by only bringing from one from other places. कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनको हम अदर जगह से लाएंगे तभी हमारी नीड्स पूरी हो सकेंगी। ओके, गॉट इट बेटा? यस, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। क्या सामान अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं? नहीं, फॉर दिस वी नीड अ ट्रांसपोर्ट। वी नीड अ व्हाट? हमें इसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं प्लस ले आएं। ठीक, द मूवमेंट, सम पीपल आर इंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। कुछ लोग इस वर्क में इंगेज होते हैं कि लोगों का सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाएँ। These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation. And also, these are known, हमें इसको किस नाम से पुकार सकते हैं? Traders, what? Who make the products come to the consumers, जो कि product को हम consumers तक लाने के साथ लाते हैं किसके द्वारा? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट एंड स्पेस। एंड ऑल्सो यू हैव सीन दैट द पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल्सो कंट्री डिपेंड्स अपॉन, कंट्री किसके ऊपर डिपेंड रहती है? अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो
services. And not only this, as well as their movement, movement over space. Okay? Therefore, efficient means of transport are responsible for fast development. So we need efficient and also very fast transport for this development. Means efficient means of transport are prerequisite for fast development. हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? Fastest means of transport की ज़रूरत है, जो कि हमारे needs को बहुत ही fast और जो हमारा जो development है उसको fast करे. Development भी fast हो और सारी चीज़ें time to time हों. Okay बेटा? So movement of these goods and services can be over three important domains of our earth. और ये जो movement of सामान है, जो things है, ये तीन चीजों पर depend होता है. Okay, land पर तीन चीजों पर depend होता है. First है land, water and air. Land, water and air. Based on these. ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो भी क्लासीफाइड इंटू, इसी बेस पर हमने ट्रांसपोर्ट को क्लासीफाई किया हुआ है. ठीक है, आपने देखा ना कि इसी मीन्स ऑफ कि सामान प्रोडक्शन तो हो गया, प्रोडक्ट तैयार है, तो हम उसको कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे. कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है और ट्रांसपोर्टेशन में लैंड पर कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन है. पहला जिसमें हमने आप देखा कि लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, प्लस एयर. ठीक है, तीनों के जरिए हम जो सामान है, गुड्स है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं. ओके बेटा, सो टुडे ओनली दिस मच. सो राइट ऑन होमवर्क बेटा, होमवर्क. लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4. ओके बेटा, सो टुडे ओनली दिस मच. थैंक यू.